सरदारो रामेश्वर भैया ही मेरे मामा को है और साहब मेरे मामा है माँ तो हमारो ढोकरा ढोकरी ले रहा है रो तो इनके चल लो नराब दुकाचा ढोकरे से बैठे वहाँ नराब चल ले जब गैल गैल जाए रो जब हमारे वहाँ ढोकरा से पूछी ओ कुन से काम को या वहाँ के खटोले को ओ काकर कट गई ले चलो भैया ले चलो सही है कि या तो डोकर हमारे ध्यायो और वह हमारी फूफी ते मटा दादा बीवी दिखावे मैं ऐसा उन्हों कर दूँ एक में तो चार कर दूँ अब हमारी फूफी ने एक में तो द्वैता देखे क्यों जनानी के तो दूसरा वह जाए और चार चार भी दिखे तो फूफी घबरावे कि नहीं चाहिए कातरे को जान कटूंगे अब एक दिन ऐसी बीमारी के कार्तिक वाले को हिल्लो फैलो और झट मैंने सोची हमारे बड़े बूढ़े ने एक छोरा छोरी ने विदा करो यहाँ पे कंटे करते फिर अपन हिल्लो करेंगे जो मौसम में थी उन्हीं जगह दियो खटोला जो तो मोड़ी हमने विदा कर दी उर्वोज बिल्ला ही का जब वाचे तय सो टन क्या है वहाँ ते हम ते आगे हमारे जाट भाई के गाँव पड़े मैं दिन सोचन के आयो और गांव के नदी पे प्याऊ भरी अब माने सोची और यहाँ तो बढ़िया टेन जंगल है वे की सत्ता हमारी फूफी तो कही तू यहाँ बैठ जा मैं जंगल है आऊँ बढ़िया साहब है जंगल चले आयो जब कहीं सुन जाट बीट को गांव में ताऊ बहन तुम तीनों कह दे कहे प्याऊ में उसी से ले रहे का तुम्हें तो काट फनार फिर जानो मैं नहीं जानू मेरे संग में जनानी का बीमारी है ऐसे सूरा पली पे खटोलान में हत्या है तो फूफी ने कही तो का करूँ साहब कह तू ड्यूटी दे मैं पानी लूँ कहवा तो है सारो कर दी बढ़िया अब खटोलान ने दो एक फंस से लिए हमारी फूफी ने सोची कर दिखे दिल गुर्दा या खटोला के मजबूत है कि पैसे फटका देते हैं अब मैंने दो एक फंस से कह लिए जो हमारी फूफी ने कही अब जो का कर रहा है महाराज पानी पी रहा अब वैसे बहुत चालू पूरी आए साहब दिमाग ते बहुत काम ले या घरवार ये ले रहो गोवर्धन को परिक्रमा चल दियो तो याने स्टेशन पे आइडिया करो बोले एक ही टिकट ले लूं एक ही तो पहुंचा देंगे अब एक टिकट लियो साहब तो हमारे ब्याने स्टेशन पे जाके हेड चेक ने पकड़ ली घरवारी ने कही या घरवारी ने कही यानी कि आप कोई संपन्न नहीं बैठे थे लोगराम दोवा जब सीट पर साहब लोगराम ही दोवा लियो हल्को ही मोटी आ रहे तो फिर जब टिकट नजीक आओ का साहब जब यही गैंड फटी वो हम हलियो लोगराम है टिकट ने कह रहे अम्मा इसमें क्या है बोला इसमें तो महाराज बच्चा है मेरा कुछ ना है बोले टिकट का एक ही है तो बोले ये कैसा बच्चा है मान उघार देखियो साहब जब वहां गौछन में छल्ला पड़े रामेश्वर गए अरे वन गई अम्मा ये कैसा बच्चा रामेश्वर कह रहा महाराज बच्चा यो पे डर के मारू यहीं कौन बोला मोड़ा फौजी हो अब फौजी को का चलावे साहब के कछु दो चार वर्ष कर ले जब के तो मैया ले जाए और के मैया और के बेरवानी एक चीज ले जाए जट साहब तू अपनी मम्मी ले जाए फौज को अब जट तू तो सूर और स्टेशन पे प्लेटफॉर्म घूमे एक हमारे खाना के को आयो जायो कि तू ते मथुरा वृंदावन मान उ टिकट ले घुसो तो सीट खाली मिली झट वाने झट धोपती नीचे और बैठ को धोपती राके पहले बड़े बूढ़े अब जब टेम है जब खटोला आयो मोड़ा फौजी वन कहे बाबा खड़ा है कहाँ कहा तू मेरी रुकी सीट पे बैठ गया ओ भैया मैं तो खाना के कहूँ पर भैया यहाँ पर कोई बैठे ही नहीं वहाँ तो तू खड़ा था तू खड़ा है वन धोती घर का गप रुमाल देख बाबा इससे रुक रही के भैया यहाँ एक बिलान के थी के वाह कानून ऐसा ही है सरकार ने एक ही बिलान के थे रुक जा जब खटोलिया की मैया पे नौहात की धोपती का पटकू चल या धोपती या पटकू में तेरी मैया मेरी है जा नहीं था जब देखता तो नहीं तेरी म-
मैया की नहीं के तेरी गांव में सबई मैया एक लुगाई होगी तेरी तो सरदारो इनके माँ जैसे पैसा नरेगा योजना हो पर हमारे गांव में मिस्टॉल कहते हैं बात तो सरपंच ने मिस्टॉल पे ये तीनों थोक के तीन मैट बनाए दिए तो इनमें से अब छेड़ चल रहा है गई झगड़ो है गो केस मुकदमा है गई माँ ये तारीख पे गए जब मजिस्ट्रेट ने कहे कि भाई ऐसा अपनी समझ में जे फलावे जब फले लिया और जब मैं तैयारी सुनूंगा तो एक तो बाबू बीर लाओ साहब और एक लाओ अमरूद और हमारे भाई साहब रामेश्वर जी ऐसे कलीदे लिया मजिस्ट्रेट के सामने तीनों साहब खड़े है गए मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया बोला एक साथ खा जाओ जे ही भरी अब साहब बाबू बीर बारो तो भाई खाएगो और अमरूद बारे जब अमरूद खायो तो यहाँ अर्ज को बाकी दुख हो जब रोयो रोती वक्त रामेश्वर की ध्यान उठी जब हंसियो मजिस्ट्रेट ने कहे क्यों रोता है क्यों हंसता है बोले साहब मैं रोता नहीं रहा हूँ कि मेरे दुख है रहो एड्ज को और हंस नहीं रहा हूँ कि जब मुई तेज ही रही तो गांड तो रामेश्वर की फटेगी